आज बात करते हैं कुछ प्रेपोजिशंस की। प्रेपोजिशंस कौन से शब्द होते हैं? प्रेपोजिशंस वो शब्द होते हैं जो दो संज्ञाओं के बीच का रिश्ता बताते हैं या रिश्ता बनाते हैं। जब हम बात करते हैं लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में, जानवरों और लोगों के बारे में, जानवरों और चीज़ों के बारे में, लोगों और जगहों के बारे में, तब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपने कहना है पुस्तक और टेबल, यानी कि मेज, तो मेज और पुस्तक के बीच में क्या रिश्ता है कि पुस्तक जो है वह मेज पर पड़ी है। तो ये जो पर शब्द है, हम कई बार जब बात करते हैं इंग्लिश में तो इनको खा जाते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। आप कहेंगे द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक तो हो गया, आप पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं, द आर्टिकल हो गया, और बुक क्या हो गया, संज्ञा, किताब यानी कि चीज। इज हो गया क्या चीज, वर्ब यानी कि क्रिया। जब हम बात करते हैं पुस्तक, फिर से बोल रही हूं, पुस्तक कहां है तो हो गई आपकी क्रिया, और उसके बाद आप कह रहे हैं टेबल, तो टेबल भी हो गई संज्ञा। और जब आपने इनको जोड़ना है तो आप क्या कहेंगे, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। मैं कहीं जा रहा हूं, तो आप जब कहेंगे कि जा रहा हूं, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, कहां, किसी जगह को ले लीजिए चाइना, तो आप कह सकते हैं आई एम गोइंग टू चाइना। द बुक इज ऑन द टेबल, आई एम गोइंग टू चाइना। आप कह सकते हैं कि मैं संज्ञा कहां से आ रहा हूं, बाजार से, बाजार संज्ञा, आ रहा हूं यानी कि क्रिया, आई एम कमिंग और द मार्केट। तो इन दोनों के बीच में हम कैसे इनको जोड़ेंगे, इसका मतलब कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे आई एम कमिंग फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट। तो आप देखिए ऑन, टू, फ्रॉम, एट, इन, विद, ये सारे शब्द प्रेपोजिशंस होते हैं और इनका बहुत महत्व होता है। आप देखिए जब आपने बात करनी है किसी के बारे में कि आप किसी के साथ जा रहे हैं, तो आप विद का इस्तेमाल करते हैं, आई वेंट विद माई हस्बैंड। तो आप कह सकते हैं द बुक इज ऑन द टेबल, आई एम गोइंग टू चाइना, या आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम कमिंग फ्रॉम द मार्केट, आई एम गोइंग टू द मार्केट, जाने के लिए टू उधर की तरफ, फ्रॉम वहां से, आई एम कमिंग फ्रॉम द मार्केट, आई वेंट विद माई हस्बैंड। तो चाहे वर्तमान काल हो, भविष्य काल हो या भूतकाल, आप इनका, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनको हम प्रेपोजिशंस कहते हैं। और जब आप कहते हैं ना कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप कहते हैं आई लिव ऑन इन द रोड, या I live in the road, नहीं, ये आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ रहते हैं, तो जिस जगह पे आप रहते हैं उसको आप कहेंगे I live at राजपुर रोड, I live at इंदर रोड, I live at चंदर रोड। तो आप एट कहेंगे, मैं वहां पर रहता हूं, उसके ऊपर तो नहीं रह सकते, या उसके अंदर, सड़क के अंदर तो नहीं रह सकते, तो आप क्या कहेंगे, आई लिव एट इन द रोड। मगर इन द रोड कहाँ है, किसी जगह के अंदर है। तो यदि इन द रोड एक सड़क है जो एक एरिया, एक रीजन, एक क्षेत्र के अंदर है, तो आप कहेंगे आई लिव एट इन द रोड इन डालनवाला, I live at बालीगंज सर्कुलर रोड, मतलब ये आपने इन कैलकटा,
आप समझ रहे हैं? तो जो जो छोटी वाली जगह है उसके लिए आप कहेंगे एट, और जो उस जो बड़ी जगह है वो हो जाएगा इन, क्योंकि वह जगह जो है उसके अंदर है। आप ये कह सकते हैं शी वॉज बॉर्न इन अ विलेज, वो एक गांव में पैदा हुई। अगर आपने कहना है शी वॉज बॉर्न एट भगवानपुर, तो आप कहेंगे एट भगवानपुर इन हरिद्वार। तो आप ये कह सकते हैं कि हरिद्वार क्योंकि बड़ी जगह है उसके अंदर भगवानपुर है, तो आप कहेंगे आई लिव एट भगवानपुर इन हरिद्वार, शी वॉज बॉर्न एट भगवानपुर इन हरिद्वार। ठीक है, ये चीज यदि आपकी समझ में आ गया हो तो हम ये कह सकते हैं आई लिव एट इंदर रोड, आई लिव इन देहरादून, आई लिव इन हरिद्वार, आई लिव इन कोलकाता, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव एट कोई भी जगह आप ले लीजिए, अपना एड्रेस बोलिए, आई लिव एट बालीगंज सर्कुलर रोड इन कोलकाता, आई लिव एट राजपुर रोड इन देहरादून। आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया है, क्योंकि ये गलती बड़ी कॉमन है। एक और, जब हम कहते हैं कि सिंस का प्रयोग बता रही हूँ मैं, सिंस और फॉर, जब हम कहते हैं कि ये चीज़ इस वक्त से शुरू हुई तो हम यूज़ करते हैं शब्द सिंस का। लेकिन यदि हमें कहना होता है कि ये चीज़ इस दौरान, इस काल में, इस पीरियड में हुआ, तो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर का। इस चीज़ का भी बहुत ध्यान दीजिएगा आप, क्योंकि यहाँ पे भी बड़ी गलतियाँ करी जाती हैं। हमने कहना है He has been here since 2nd February. तो हम कहेंगे He has been here since 2nd February. या हम कहेंगे He has been here since 1968. मतलब आप उस बात की शुरुआत के बारे में बता रहे हैं, कहाँ से वो शुरू हुआ है। He came to meet me for a few minutes. वो कुछ मिनटों के लिए मुझसे मिलने आया या आई। ही केम टू मीट मी, केम और मीट मी, मेरे को मिलने आया, तो ही केम टू मीट मी कितने समय के लिए, फॉर अ फ्यू मिनट्स या फॉर अ फ्यू आवर्स। आप समझ गए होंगे, आप ये नहीं कह सकते सिंस अ फ्यू आवर्स। फ्यू आवर्स जो है एक पीरियड है, एक समय का अंतराल है, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे फॉर। लेकिन यदि आपने कहना है कि वो यहाँ पे है पिछले मंडे से, तो आप कह सकते हैं ही हैज बीन हियर सिंस मंडे, ही हैज बीन हियर सिंस मंडे, ये कहा जाएगा। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। आप कह सकते हैं He has been here since last week. पिछले हफ्ते से वो यहाँ पे है। परंतु यदि आपने कहना है कि वो यहाँ पे एक हफ्ते के समय के लिए यहाँ पे मतलब है, तो आप कह सकते हैं He has been here for a week. एक हफ्ते के लिए वो यहाँ पे रहा है, यहाँ पे एक हफ्ते से है, पर इस समय में वो यहाँ पे है। लेकिन यदि आपने कहना है कि वो एक हफ्ते से यहाँ है, तो आप यूज करेंगे सिंस का। ही हैज बीन हियर सिंस लास्ट वीक, पिछले हफ्ते से, पिछला हफ्ता हो गया। लेकिन यदि आपने कहना है एक हफ्ता, तो आप कहेंगे ही हैज बीन हियर फॉर अ वीक। एक और बड़ी मजेदार चीज है, जब आप इस्तेमाल करते हैं इन या इन टू, इन का मतलब है तो अंदर, इनसाइड का मतलब जो अंदर है, और जब आप कहते हैं ना इन टू, इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब होता है कि आप कोई मूवमेंट या मोशन दिखा रहे हैं। तो आप कहते हैं कि ही वेंट इन सम टाइम बैक, ही वेंट इन वो अंदर गया, He has come inside, वो motion दिख रहा है कि वो अंदर की तरफ जा रहा है। या यदि हमने कहना है कि वो कमरे के अंदर गया, तब हम कहेंगे He came into the room। जैसे एक और example देती हूँ, जब आप कहते हैं कि कुएं में वो कूद गया, तो आप कहेंगे He jumped into the well। तो मतलब वो motion की बात आप कर रहे हैं, वो मूवमेंट की बात कर रहे हैं कि वो हुआ या वो हो रहा है। या आप कहेंगे
ही जम्प्ड इन टू द वेल, कहीं से वो कूद के अंदर गया, तो यहां पे मूवमेंट आ जाता है, ये ध्यान रखिएगा. ही इज इन द वेल, आप क्या कह रहे हैं कि वो कुएं के अंदर है, परंतु जब आपने ये कहना है दैट ही हैज जम्प्ड इन टू द वेल, तब हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इन टू. सो दिस विल बी ही हैज गॉन इन टू द रूम, ही हैज कम into the room, he walked into the room, he jumped into the well, परंतु वो already well के अंदर है, कुएं के अंदर है, he is in the well, ठीक है. ये इन चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. और एक और मैं आपको शब्द बताती हूँ, beside और besides. beside का मतलब होता है बगल में, और besides का मतलब होता है इसके अलावा, इसके addition में, मतलब इसके अलावा भी, तब आप besides s के साथ इस्तेमाल करते हैं. तो आप कह सकते हैं he is standing beside me, he is sitting beside me, मेरे बगल में बैठा है या बैठी है. लेकिन हम कहना चाहे कि मेरे अलावा इस कमरे में इस वक्त कोई नहीं है, तो आप कहेंगे besides me there is no other person in the room, या कहेंगे besides me there is no one in the room, there is no one in the room. एक और चीज जब हम कहते हैं ना कि वो सड़क वो चौराहे पे जैसे मुड़ के गया, टर्न किया, तो आप कहते हैं ही टर्न्ड जो है कॉर्नर पे, तो आप कहेंगे I walked round the corner. I walked round the corner. He walked round the corner. ये टर्न की बात हो गई. यदि आपने कहना है कि आपने रोड को क्रॉस किया, तो आप कहेंगे I walked across the road. जी हाँ, आप कहेंगे I walked across the road. लेकिन यदि आपने कहना है कि मैं रोड पे चला, तो आप कहोगे I walked down the road. या आप कहोगे I walked along the road, क्योंकि रोड थोड़ी, रोड के ऊपर थोड़ी चले आप रोड के साथ साथ चले, आप सड़क के साथ साथ चले, तो आप कहेंगे I walked along the road, I walked down the road, या I walked along the road, ये आपको कहने की आवश्यकता है. Beside, मैंने बताया ना कि आप कहते हैं he is sitting beside me, तो इसका एक और शब्द भी बता दूं आप, एक और preposition, he is sitting next to me. जी हाँ, he is sitting next to me. आपने कहना है कि मुझे कुछ सीखना है, I want to learn dancing. इसी प्रकार के कई आप sentences use कर सकते हैं. I want to learn singing. I want to go for a movie. Movie के लिए, के लिए, के लिए क्या हो गया, for. तो for के मैंने आपको कई तरह के sentences बताए हैं. आप ये कह सकते हैं आसमान हमारे ऊपर होता है, तो आप कह सकते हैं the sky is above us. Above जो है ये भी एक preposition ही है. आप ये भी कह सकते हैं कि कोई चीज रखी हुई है और वो उलट के गिर गई, तो आप क्या कहेंगे, the box fell over, the box fell over. आप किसी बिल्ली के बारे में बोलना चाहते हैं कि वो टेबल के नीचे है, तब क्या कहेंगे, the cat is sitting, बैठी है, the cat is sitting below the table. आपने कहना है कि वो हमारे बीच में बैठा है, तो आप कह सकते हैं he is sitting between us. आज मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ वो है prepositions की. prepositions जो है उन्हें हम दो संज्ञाओं के बीच में जोड़ने का काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो आप याद रखिएगा कि on, with, from, for, since, beside, besides, next, above, below, under, into, inside, on, ये सारे जो हैं ये prepositions होते हैं. इनको आप अपने जो हमने चार और पांच शब्दों वाले वाक्यों को बनाए थे
उन्हीं में इस्तेमाल करने की कोशिश करिए और खुद भी कोशिश करिए इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाने के लिए।